इमोशंस बर्दाश्त नहीं हो रहे। एक आंसू निकले थे मेरे 9 जून को, वो थे दुख के, और एक आंसू अभी निकलने वाले वो है खुशी के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज व्लॉग है वो है पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का लास्ट ओडीआई। यार आज इतना नहीं मेहनत करो, नहीं बोलो भाई, आज एंजॉयमेंट का दिन है। क्यों? आज खुशियां बांटने का दिन है, आज हमारी ईद है, मतलब समझ लो आप, ठीक है ना। हम ऑस्ट्रेलिया से जीत रहे हैं यार। मुझे खुद को लग रहा था सेकंड ओडीआई शायद हम लुप्पड़ में जीत गए, ऐसी शायद हम तुक्का लग गया हमारा, लेकिन ये तो हमारी टीम की फॉर्म आ गई वापसी। अबे भाई, ऑस्ट्रेलिया के अंदर सीरीज जीतना, पर्थ स्टेडियम के अंदर ऑस्ट्रेलिया को जलील कर रहे हैं भाई हम लोग। इससे पहले एडलेड के अंदर जलील कर रहे थे, और एमसीजी वाला भी रह गया, याद है ना। और अभी थोड़ी देर पहले तो जब अब्दुल्ला और सेम खड़े हुए थे ना, मैंने बोला यार ये क्या 10 विकेटों से जीतने वाले। हमारे फेवरेट खूबसूरत बाबर आजम, खूबसूरत यार, ऐसी इसको किंग नहीं बोलते यार। ना अभी इससे पहले भी बिल्कुल ऐसे ही नहीं बोलते इस बंदे को किंग यार। क्या खूबसूरत यू किया है, ये भी नहीं पूरा लेके जाए ये भाई। इसने सिराज को भी मारा था 9 जून वाले, यानी कि आज बाबर आजम फिनिश करने वाले हैं। सिराज को मारा था 9 जून वाले मैच में, अगर आपको याद हो, ठीक है, यही चौका कि आप यूं करके मार रहे हो और बहुत ही करीब है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को जलील करने के लिए, ठीक है। और देखते हैं अभी आप आगे। मुझे तो बहुत ज्यादा यार खुशी हो रही है, ऑस्ट्रेलिया को हम लोग हरा रहे हैं। यार सही है, अभी देखने दो यार, अभी ये लम्हात और ये जो चीजें है, नहीं नहीं अब आती रहेंगी, अब आती रहेंगी, अभी अभी देखने दो मुझे, बड़े अरसे के बाद ही देखने को मिल रहा है मुझे। अच्छा भाई, काफी मतलब लोगों की यही बातें चल रही हैं कि सी टीम को हराया, डी टीम को हराया, बी टीम को हराओगे और खुश हो रहे हो, ये क्या बात भाई, है भाई। हमने नहीं बोला ऑस्ट्रेलिया को कि आप सी टीम खिलाओ अपनी, आप ए टीम भाई, उन्होंने जो खिलाई हमने तो खेल लिया। और सेकंड ओडीआई में तो सब लोग थे ना, बोल तो रहा हूँ, सेकंड ओडीआई में सब लोग थे भाई, अब खिला लेते ना पूरी टीम, आप खड़े कर लेते हेड वगैरह सबको ले आते। और भाई जो भी बात कर रहे हैं ना, देखो बहुत सारे लोग तो अपने घर में भी व्हाइट वॉश हो जाते हैं, ठीक है ना भाई, टॉम लेथम आके उनको व्हाइट वॉश कर देता है, मैं और क्या बोलूं भाई। चलो विलियमसन होता, कोई बड़ी टीम होती तो समझ में आता, अब लेथमान भी उनको व्हाइट वॉश। अच्छा देखो, हमारी जो सिचुएशन चल रही थी ना टीम की, हम भी तो सी टीम से वो हो रहे थे, याद है पाकिस्तान आई थी न्यूजीलैंड की, हमने सी टीम से जीती ओडीआई सीरीज, हमने मान ली भाई, ठीक है। आप लोग अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में आना, ठीक है, आप लोग प्रॉपर टीम से जीतना, प्रॉपर टीम से आप लोग जीत जाना भाई, एक टेस्ट जीत जाना बड़ी बात है भाई, पर्थ के अंदर ही एक टेस्ट। इस बीच में ना ये लोग ये भी दिखा रहे हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, यहाँ पर हमारे पड़ोसी भी कुछ टाइम बाद आने वाले हैं, रोहित शर्मा का पूरा स्क्वाड दिखा रहे इंडियन टीम का बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। अच्छा लेकिन लीड का है ना विराट कोहली के साथ पैट कमिंस को दिखा रहे, तो क्या विराट कोहली लीड करने वाला है? कुछ भी है अभी देखते हैं, अभी तो अभी हटा दो सब चीजों को, अभी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में है 10-15 दिन, अभी आप ये एंजॉय करो खाली। हाँ, ये जो लम्हात हो रहे, ये जो बस कुछ टाइम के बाद पाकिस्तान टीम यहाँ पे सेलिब्रेट करेगी और पाकिस्तान टीम यहाँ पे ट्रॉफी उठाएगी अपनी सीरीज जीत, यार क्या कर रहे हैं भाई हम, अभी रुको यार बताओ। ये हारिस रॉफ को तो बहुत अच्छा वाला कमबैक हो गया, अब तुम्हें पता है मैक्सवेल को 3 ओडीआई में इसने आउट किया है भाई। मैक्सवेल क्या, तुम मैक्सवेल को रो रही हो, यहाँ पे हमने ऑस्ट्रेलिया को आउट कर दिया यार, ऑस्ट्रेलिया को हम ऑस्ट्रेलिया, नहीं यार हारिस रॉफ की फॉर्म आने की मुझे बड़ी खुशी है यार, बंदे ने कितना क्रिटिसाइज बर्दाश्त किया। जर्सी वाले लोग थे ना, मुझे शुरू से ही नापसंद थे, मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि भाई इनको हर टीम हराए। ओ भाई कप्टांसी वाला शॉट, कप्तानसी वाला छक्का, और ये दलेरी वाला शॉट कहलाता है, ये कोई हल्का छक्का नहीं है, पेसर पर निकल कर मारना पर्थ स्टेडियम के अंदर, क्या बात है। रिजवान क्या बोलता है, वाली फीलिंग आ रही है मुझे बाबा रिजवान, रिजवान क्या बोलता है, छक्का नहीं मार सकता, रिजवान छक्का नहीं मार सकता, पर्थ के अंदर निकल कर रिजवान ने छक्का मारा है भाई। ये बंदा बाहर निकला अपनी क्रीज से और क्या ही रूम बना के सिक्स उठाया भाई, बहुत आला रिजवान भाई, आपका एरा चल रहा है। रिजवान की भाई किस्मत है कोई, कप्तानसी मिली और आप गए ऑस्ट्रेलिया और सीरीज निकाल के लिया एक और, आई थिंक रिजवान नहीं आ रहा खाल के, बहुत आर्ट भाई, बहुत ज्यादा करीब आ रहे अपनी जीत से। बाबर आजम को छक्के मारता है, फिनिश करने की आदत है भाई, मैच फिनिश करने की आदत बना ली है कि छक्का मारूंगा, और वो यार ये मूवमेंट कितना अच्छा लग रहा है यार। अब तो नहीं थी ना शॉर्ट बॉल पिच, अब तो नहीं थी ना शॉर्ट बॉल, अब तो फुल टॉस बनाया ना आगे निकल के भाई, और यार क्या मूवमेंट, ये मूवमेंट लास्ट टाइम कब देखा था मावे, तो जाऊंगा यार कसम से यार, मैं ना इमोशंस बर्दाश्त नहीं हो रहे। एक आंसू निकले थे मेरे 9 जून को, वो थे दुख के, और एक आंसू अभी निकलने वाले वो है खुशी के। और यहाँ पर बाबर आजम को इस तरह से देख के, पाकिस्तान टीम को इस तरह से देख के, काफी टाइम हो गया था ये चीज देखे हुए यार, कि मतलब आपने 143 रन पे निपटाया पहले उसको, ऑस्ट्रेलिया को 141 रन पे सॉरी, उसके बाद आप बैटिंग पे आए, आपने बैटिंग में भी डोमिनेट किया यार, आज बॉलिंग में भी अच्छा खेला, स्कोर होता ना यार अगर ये जो बातें कर रहे थे ना, ये बात हेड नहीं है और मिचेल मार्श नहीं है भाई, अगर वो तीन जब ग्राउंड में उतरने से पहले टीम चेस करती है, जब ग्राउंड में उतरने से पहले जीत की सोच होती है ना, वो भले कितना भी टारगेट हो चेस हो जाता है। छक्का नहीं है ये, शायद 4 रन है, नहीं छक्का
है चौका है क्या सीन? नहीं चार है, चार है ये। और ऑस्ट्रेलियन टीम को यहाँ पे जलील और रुसवा करते हुए मुंह छुपाते हुए वो चार है, और यहाँ पर फ्रेजर बात कर रहा है भाई, ऑटोग्राफ लेने वाली कहानी कर रहा है फ्रेजर, देख रहे हो आप कुछ कह रहा है कि भाई ऑटोग्राफ चाहिए। अजी फ्रेजर तो वही ना आईपीएल में जो धूम मचा रहा था, ये चीज बाबर आजम जबरदस्त। और ये खुशी देखें आप, ये खुशी देखें, ये नहीं कि कप्तान कोई और है तो मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों एफर्ट करूँ भाई। चलो यार ये खुशी बरकरार रहे वो ज्यादा बेहतर है, ये यूनिटी बरकरार रहे। खुशी मत बोलो आप, हमारी टीम में यूनिटी चले जाती है बहुत जल्दी, ये यूनिटी और ये जो एक नजर लग जाती है हमारी टीम, ये बरकरार रहे और आगे भी ऐसी सीरीज से निकालनी है चैंपियन ट्रॉफी से पहले पहले ऐसा मोमेंटम पकड़ लेना, ऐसा ना हो चैंपियन ट्रॉफी में पहुंचे हुए फर्स्ट नंबर पे, रिजवान मोमेंटम दिलवा के छोड़ेगा।